Good morning and peace to you with you all. Hope you all are fine and doing good and you have done your work which was given. ठीक है, कल हमने also be with you बेटा, कल हमने जो है page हमारे पास किया था, उसमें हमने जो है book पे भी work किया, मैंने आप copy पे work भी करने के लिए दिया था. ठीक है, तो hope you all have done and you all complete your work. और अभी आज जो है हम करेंगे, आप लोग अपनी books खोलेंगे page number 40. ठीक है, पेज नंबर 40 पे बहुत इजी वर्क है. आज हम पेज नंबर 40 करेंगे. आप सब जो है अपनी बुक्स खोल लें और हम पेज नंबर 40 करेंगे. सब लोग अपनी बुक्स खोल लें. एंड गुड टू सी यू ऑल अगेन. पेज नंबर 40 है अभी हम करेंगे और आप देख रहे हैं, आप सबके सामने पेज नंबर 40 जो है वो आप सबको यकीन नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे. सबसे पहले आप आज की डेट लिखेंगे. बहुत आसान काम है, उन्होंने कवायद दिए हुए हैं और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने आपको जो है समझाया है कि किस तरह से हमने अल्फाज मुतरादिफ करने हैं. आपको पता है कि अल्फाज मुतरादिफ जो होते हैं वो हम मानी अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज इनके एक जैसे मतलब होते हैं. लफ्ज एक होता है लेकिन जो है मुख्तलिफ जब हम बोलते हैं लफ्जों तो उनका मतलब एक ही होता है. जैसे यहाँ पे उन्होंने तस्वीर बना के आपको जो है वजाहत दी है. जैसे उन्होंने फूल दो तस्वीरें बनाई हैं, दोनों में ही फूल बनाए हैं उन्होंने. एक तरफ उन्होंने लिखा है फूल और एक तरफ उन्होंने लिखा है गुल. तो गुल और फूल दोनों का मतलब क्या है? फूल है. ठीक है, दोनों का मतलब एक है. तो इस तरह मुतरादिफ अल्फाज होते हैं जिनका मतलब एक जैसा हो. ठीक है, आप उन्होंने कहा है कि हम मानी अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं. ठीक है, जिनका मतलब एक जैसा हो. जैसे करीब का मुतरादिफ पास है, सियाह का मुतरादिफ काला. ठीक है, दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिख रहे हैं. आप सबने पहले मुझे चैट बॉक्स में बताने हैं, फिर मैंने आप लोगों के लिए रजिस्टर भी लिख रखे हुए हैं ताकि आप लोग आसानी से जो है उसको, किसी को अगर लिखने में मसला हो रहा तो वो देख ले. तो आप सब लोगों ने पहले जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में जो जवाब देते जाना है. अगर जिसके पास उर्दू की बोर्ड है उर्दू की बोर्ड ताकि अच्छी तरह से लफ्ज है वो आप लिखें तो आपको भी समझ में आए और जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो भी उसको अच्छे से समझ सके. ठीक है, तो पहला लफ्ज है दलेर. तो दलेर का जो है दो में हम मानी जो लफ्ज है वो कौन सा होगा जिसको हम मुतरादिफ अल्फाज का नाम देंगे? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप लोगों ने मुझे बताना है. शाबाश. जी शाबाश, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है जल्दी से चैट बॉक्स में. शाबाश बेटा, वेरी गुड. तो मुतरादिफ दलेर का मतलब है बहादुर. ठीक है, एक शख्स जो बहादुर होता है, दलेर होता है, उनका मतलब एक ही है दोनों का. शाबाश. उसके बाद है शब. शब का हम मानी लफ्ज क्या होगा? शब का हम मानी लफ्ज जी जी शब का है रात. वेरी गुड, शाबाश. शब का मतलब है रात. जी सारे रात लिखने, रात. उसके बाद है तारीखी. तारीखी का क्या आएगा? बहुत दफा तारीखी का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं हम मानी अल्फाज में. अंधेरा. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी गुड. रात तारीखी का है अंधेरा, शब का है रात. उसके बाद उजाला का. उजाला का रोशनी. वेरी गुड क्रिस, सिताश. सारे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बेटा. उजाला है रोशनी. ठीक है, उसके बाद आसान का है. आसान का, आसान का अंधेरा तो हो गया, आसान का क्या आएगा? आसान का सहल. सहल का मतलब भी आसान होता है.
ठीक है, ये मैं अभी आपको बेटा दिखा देती हूँ, ठीक है, नोट्स मैंने लिखे हुए हैं। उससे पहले जो है हम बुक के क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता देती हूँ, ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए अल्फाज को अल्फबाई तरतीब से लिखिए, ये आपका होमवर्क है। कल हम लोगों ने एक सवाल किया था जिसमें आपको मैंने पूरी तफसील से बताया था कि अलिफ से बढ़िए तक जो भी अल्फाज हम तरतीब से लिखते हैं वो अल्फबाई तरतीब होती है। तो इसी तरह से आज जो सवाल नंबर 6 है ये आप लोगों ने होमवर्क में खुद करना है, ठीक है। अभी जो अल्फाज मुतरादिफ है ये आप लोगों ने उर्दू बी की कॉपी पे लिखने हैं, ठीक है। तो आपने ये जो सवाल नंबर 6 है इसको आप लोगों ने उर्दू ए की कॉपी पे करना है। तो अभी आप सारे जो है अपनी उर्दू बी की कॉपीज खोल लें, मैंने वो लिखे हुए अल्फाज आप लोग देख के, आपको मैं 5 मिनट्स दूंगी, आप लोग उसको लिख लें और उसके बाद हम पेज नंबर 41 की रीडिंग करेंगे। उसमें जो है हम पूरा ये सबक जो हमने पढ़ा है हादसात के बारे में यूनिट जो है, तो उसमें हमें वो बताएंगे कि हादसात से हम कैसे बच सकते हैं और हादसात की वजूहात क्या होती हैं। तो अभी आप सारे अपनी उर्दू की कॉपीज खोलें। आपको पेज नजर आ रहा है, आप डेट लिखें, उर्दू बी की कॉपी निकालें और जल्दी से इस काम को कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि क्या गया आपने क्या काम करना है। और डायरी के लिए एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, सवाल नंबर 6 सफा नंबर 40 पे, उसको आपने अपने होमवर्क में करना है। तो जैसे ही आप लोग ये कर लेते हैं आप लोगों ने जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताना है या आप लोगों ने ठीक है उर्दू बी की कॉपी निकालें और आप लोग इसको लिखें। फिफ्टी थ्री हो गए हैं, 2 मिनट्स मोर यू हैव, ठीक है 55 पे, एट 10:55 वी विल स्टार्ट आवर वर्क। डन, ठीक है आई होप यू ऑल हैव डन बेटा, ठीक है। अभी आप सब जो है अपनी बुक्स खोलें पेज नंबर 41 पे, ठीक है पेज नंबर 41। ओके बेटा, अभी हमने मैंने जब जैसे कि आपको पहले बताया कि हम सारा आज ये यूनिट जो है वो हादसात कर रहे हैं, इसलिए जो है अभी हमें उन्होंने ये जो पेज पे उन्होंने दिया हुआ है कि मुख्तलिफ हादसात की वजूहात या इनसे और इनसे बचाओ, तो इसको हमने जरूर रीड आउट करना है। और आगे उन्होंने हमें कुछ एक्टिविटीज भी दी हुई हैं और इसको पढ़ने के बाद हमने उन एक्टिविटीज को भी आपके बाद में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले है सड़कों पर हादसात की वजूहात। सब लोग किताबें खोल लेंगे और किताब पे देखेंगे और सारे पॉइंट्स जो है वो गौर से सुनेंगे, क्योंकि जब आपके टेस्ट होंगे तो मैंने कहीं से कोई भी आपसे पॉइंट जो है वो पूछ लेना है कि ये उन्होंने क्या कहा हुआ है या क्या पूछा हुआ है, ठीक है। सड़क पर हादसात की वजूहात क्या होती हैं? जब हम दाएं बाएं देखे बगैर सड़क पार करना, मसरूफ सड़क के किनारे ट्रैफिक का ख्याल किए बगैर खेलना और सड़क पर आ जाना,
साइकिल या कोई भी सवारी बहुत तेजी से या जिगजैग चलाना, सड़क पर पानी गिरा होने की सूरत में गाड़ी या साइकिल की रफ्तार आहिस्ता न करना, सड़क किनारे चलते होने की चलते भी अपना रुख आने वाली ट्रैफिक की तरफ ना रखना। इन तमाम वजूहात के अलावा भी हादसात की बहुत सी वजूहात होती हैं, और सोचिए और कोई सी दो वजूहात लिखिए। ठीक है, अब देखें, हम जब हमने पहले भी बात की थी इरफान और हेप के बारे में, हमने जो सबक पढ़ा था हादसा, उसमें हमने देखा कि इरफान की लापरवाही की वजह से उसके साथ क्या हादसा पेश आया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो हादसा की वजूहात क्या लिख रहे हैं कि दाएं बाएं देखे बगैर सड़क पार करना बहुत जरूरी है। जब भी हम सड़क पार कर रहे हैं, हम जो है वो दाएं बाएं देख के पार करें। जब हमें पता चले कि दोनों तरफ से जो है कोई भी जो है ट्रैफिक नहीं आ रहा है, हम इंतजार करें और फिर सड़क पार करें। ठीक है, और उसके बाद अगर सड़क सड़क जो है बाजू का जो बच्चे होते हैं उनके घरों में जगह नहीं होती है या ग्राउंड घर के पास नहीं है, तो वो बाहर जो है सड़क के किनारे जो है गवर्नमेंट ने जो है बनाए हुए हैं होते हैं, ग्राउंड होते हैं, वहां जाकर खेलते हैं, या जगह नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं के सड़क के ऊपर ही खेलने की कोशिश करते हैं। तो मसरूफ अगर सड़क है और वहां पे अगर आप खेलना शुरू कर दो तो यकीनी तौर पर फिर वहां पे हादसा होने का खतरा होता है। ठीक है, उसके बाद है साइकिल कोई भी सवारी या बहुत बहुत तेजी से या जिगजैग चलाना। ठीक है, कोई भी आप जो है साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी आप जो है सवारी चला रहे हैं, उसको जब आप तेजी से चलाएंगे और ऐसे जिगजैग चलाएंगे तो दूसरों को भी नुकसान होने का खतरा और आपको भी हादसा पेश आ सकता है। इसके बाद सड़क पर अगर पानी गिरा हो तो जैसे बारिश होती है, पानी होता है या गड्ढे होते हैं सड़क के अंदर, तो बहुत ज्यादा ध्यान से आपको जो है ड्राइव करना चाहिए ताकि जो पानी है अगर आप तेजी से उस गाड़ी या साइकिल को गुजरेंगे तो उसके गिरने का और फिर हादसा पेश आने का अंदेशा होता है। ठीक है, उसके बाद सड़क के किनारे चलते हुए अपना रुख आने वाली ट्रैफिक की तरफ रखना। जब आप सड़क पार कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप देख के पार करें, दाएं बाएं देख के पार करें और अपना रुख जो है आने वाली ट्रैफिक की तरफ ना रखना। जब आप ट्रैफिक को नहीं देखोगे तो यकीनी तौर पर अगर आप नहीं देख रहे हो तो आपकी जो है उस बेहतियाती की वजह से हो सकता है दूसरी तरफ से कोई सवारी आ रही हो, तो फिर जो है आपको जो है हादसा पेश आ सकता है। उसके बाद है कि सड़क के किन इन तमाम वजूहात के अलावा भी हादसे की बहुत सी वजूहात है, सोचिए कोई दो सी वजूहात आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कौन सी है? घरों में हादसा क्यों होते हैं? अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि सिर्फ ये नहीं होता कि ट्रैफिक के जरूरी नहीं होता कि सिर्फ सड़क के किनारे हादसा पेश आए, बल्कि इसके अलावा घरों में भी हादसा हो जाते हैं। अब आपने गौर से सुनना है कि घरों में हादसा कैसे हो सकते हैं, और बाद में आप जो है आपने इसको शेयर करना है अपनी मामा के साथ भी, अपने हमसायों के साथ भी। अगर आपके साथ घर में कोई और बच्चे हैं, फैमिलीज रहती हैं, जैसे जो फैमिली सिस्टम में जो है आपके जो है चचा के या आपके और कोई बच्चे जो है वो रहते हैं, तो आपने उन सबके साथ भी इसको शेयर करना है, उनको बताना है। ठीक है, कि आज हमने ये पढ़ा था। घरों में हादसात की वजूहात क्या है? हीटर, चूल्हे या जनरेटर की गैस का बटन खुला रह जाना, छोटे बच्चों का गलती से कोई दवा जो है वो खा पी जाना, टकू या छुरी का लापरवाही से इस्तेमाल है, शीशा टूटने से भाप या जिस्म का कोई हिस्सा जख्मी हो जाना, खोलता पानी या घी या तेल जिस्म पर गिरने से नुकसान हो जाना, बिजली के सॉकेट में हाथ या उंगली चली जाना और इससे करंट लगना, नीचे लिखी गई एहतियाती तदाबीर की वजूहात लिखी कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। जो है नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि मिसाल है कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो वजह उन्होंने क्या लिखी है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है कि बच्चे गलती से कोई दवा खा या पी सकते हैं जिन्हें बहुत नुकसान दे सकती है, और घर में इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार दवाएं जैसे ब्लीच है, फनाइल है, पेट्रोल है या मिट्टी का तेल वगैरह किसी मशरूब या ड्रिंक की बोतल डब्बे में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा शीशे की चीजें मसलन ग्लास वगैरह टूटने पर
फौरन जगह बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, और छोटे बच्चों की निगरानी जरूरी है कि वो बिजली के स्विच या के पास ना जाएं। अब उन्होंने देखें बहुत वाजह तौर पर लिखा है कि घर के अंदर रहते हुए कैसे हादसे पेश आ सकते हैं, कभी गलती से हीटर, चूल्हे या जनरेटर की गैस का बटन खुला रह जाना। तो बहुत ज्यादा जो है एहतियात करनी चाहिए घर में, अगर छोटे बच्चे हैं तो आपने हीटर, चूल्हे या जनरेटर को जब इस्तेमाल किया है तो बहुत एहतियात से उसको दोबारा से बंद करना, और जितनी भी दवाएं हैं जैसे कि मुख्तलिफ किस्म की जो बच्चों को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप कोई सीरप या कोई मेडिसिन लेते हो उसके ऊपर एज लिखी होती है कि इतनी एज के बच्चे इसको ना पियेंगे और इतनी एज के बच्चे इतना पियेंगे, और या ये बड़े बच्चों की या बड़े लोगों की मेडिसिन है। जैसे आपके घर में कोई पेशेंट है, जैसे आपके दादा या खुदा न खास्ता आपकी दादी है या अम्मी या अब्बू को कोई ऐसी प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की, ऐसी मेडिसिन है शुगर की, तो यकीनी तौर पे वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ऐसी दवाएं जो है वो आप लोगों ने बच्चों की उनसे दूर रखनी है, ठीक है। या चाकू या छुरी का लापरवाही से इस्तेमाल करने से भी हादसा पेश आ सकता है। खोलता पानी या घी या तेल जिस्म पर गिरने से बहुत एहतियात से उसको उठाना चाहिए। गर्मी में, सर्दी में बहुत ज्यादा जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिजली के साकेट में हाथ या उंगली चले जाना, आपको पता है छोटे बच्चे चलते फिरते स्विच को ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो जो स्विच है वो भी उनकी पहुंच से दूर रखने चाहिए, दूर होने चाहिए, ऊंची जगह पे होने चाहिए ताकि वो उनके अंदर जो है अपना हाथ या उंगली या ना डाल सके, ठीक है। तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इन एहतियाती तदाबीर को वजुहात लिखी कि ऐसा करना क्यों जरूरी है। तो उन्होंने एक मिसाल दे के हमें बताया है कि जैसे मेडिसिन की बात की है तो उन्होंने दवा के बारे में बताया है कि कैसे हमें इन चीजों को दूर रखना चाहिए, और जैसे पेट्रोल है, मट्टी का तेल है और ब्लीच है, फिनाइल है, इन चीजों को दूर रखना चाहिए, और सबको शीशे की ग्लास वगैरह टूट जाता है तो उसके फौरन बाद जगह साफ देनी चाहिए ताकि किसी को लगे ना, और छोटे बच्चों की निगरानी बहुत जरूरी है कि वो बिजली के स्विच या आग के पास ना जाए, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है हादसात की वजूहात और इनसे बचाओ, तो आप मुझे बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आपने करा है तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप थम्स अप का इम्प्रेशन दें और हम जो है नेक्स्ट पेज पे जो है वो अपना काम शुरू करें। जी ये कुछ बच्चों की तरफ से, क्या आप सबको मेरी वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है? दो तीन बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो बेटा आप लोग अपना काइंडली माइक चेक करें पूरा टाइम जो है। सफा नंबर 41 खबर से कहानी बनाना, ठीक है, ये आपने होमवर्क में करना, आपको और से इसको सुन ले, मैं समझा देती हूँ आपको। अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोगों के जो है बुक के ऊपर जो है ये देखें यहाँ पे साइड पे ये एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है, आपने गौर से इसको पढ़ना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये बुक की वजह से इतना विजिबल नहीं हो रहा है तो आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। ये एक वाक्य हकीकी वाक्य है, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि नॉर्थ नाजिम के इलाके इकबाल टाउन के एक बंगले में एक बिल्ली का बच्चा जो है वो दरख्त में फंस गया था और वो शोर मचाता रहा, ठीक है। इलाके के नौजवानों ने दरख्त की शाख पर लटके हुए, ये मैं आपको जो है दिखाने की, ठीक है, ये देखें आप लोग अब यहां से देख सकते हैं। नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके इकबाल टाउन के एक बंगले में एक बिल्ली का एक बच्चा दरख्त में फंस गया और रात भर शोर मचाता रहा। इलाके के नौजवानों ने रात दरख्त की शाख पर लटके हुए बिल्ली के बच्चे को उतारने की बहुत कोशिश की, तहम नाकाम रहे। बाद अज़ां इलाका है मकीनों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और उन्होंने बर वक्त पहुंचकर बिल्ली के बच्चे को पेड़ से उतार लिया, ठीक है। ये हमने जो है आज ये एक्टिविटी आप लोगों ने करनी है। आपने क्या करना है, ये जो खबर है इससे आपने कहानी बनानी है, ठीक है। बच्चों को तो कहानियां बनाना वैसे भी बहुत आती है कहानियां बनाना, कभी कभी आप कहानियां बनाते हैं। आज मैंने ये होमवर्क नहीं किया था, इसकी वजह ये थी, बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं, ठीक
तो ये तो एक अच्छी सी कहानी आपने बनानी है कि आपने इस खबर को गौर से पढ़ना है, ये एक हकीकी वाकया है, लेकिन आपने अपनी सलाहितों का इस्तेमाल करना और एक अच्छी सी कहानी बनानी है। अब आप सोच सकते हैं कि बिल्ली का बच्चा दरख्त पर फंसने से पहले क्या कर रहा था, अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा था, दरख्त पर क्यों चढ़ गया, किसी जानवर को इंसान से किसी जानवर या इंसान से डर कर किसी चिड़िया को पकड़ने और फंसने के बाद इसने पहली बार से देखा था, देखा होगा मदद करने की क्यों कोशिश की होगी। ठीक है, आपने इन चीजों को ध्यान में रखना और अच्छी सी दिलचस्प सी आपने कहानी बनानी है और वो कहानी आपने लिखनी है उर्दू बी की कॉपी पे और अच्छा सा अनुमान भी आपने उस कहानी को देना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको क्या बताया कि आपने ये जो एक खबर है इससे आपने कहानी बनानी है, तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि एक बंगले में जो है आप इलाके का पूरा नाम लिख के लिख सकते हैं कि वहां पर एक बंगले में जो है बिल्लियों का जोड़ा रहता था या बिल्ली रहती थी और इतने बच्चे थे और उनमें से एक बहुत शरारती था और वो जो है बहुत ज्यादा शरारत करता रहता था, जैसे सारे बहन भाइयों में से कोई एक बहन भाई होता है ना बहुत शरारती होता है और अपनी मामा की बात भी नहीं सुनता था, तो उसकी मामा से शरारत से बहुत मना करती रहती थी लेकिन वो नहीं सुनता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक से जो है चूं चूं की आवाज आई, तो उसने देखा कि ये क्या है, तो वो एक चिड़िया थी और वो बहुत ही प्यारी सी चिड़िया थी और वो उसको चिड़िया बहुत पसंद आई और वो उस चिड़िया को पकड़ना चाहता था, किसी तरह पकड़ने की उसको कोशिश करना चाहता था और इसी कोशिश में जो है वो क्या किया, उसने दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की और फिर क्या था कि वो दरख्त की शाखों में जो है वो उलझ कर रह गया, फंस गया और वहां से उतर नहीं पाया और इस तरह से वहां पे फंस गया और वो शोर मचाता रहा और मदद के लिए पुकारता रहा और मैंने तो एक इसमें में लिख दिया और उस तरह से उसको क्या किया, बाद में उसको बचा तो लिया गया लेकिन उसको क्या किया गया, उसको अपनी शरारत की जो है वो सजा मिल गई क्योंकि वो अपनी मामा की बात नहीं मानता था। अब ये तो मैंने छोटी सी स्टोरी बना ली लेकिन आप लोग अपनी स्टोरी खुद बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, और मुख्तलिफ स्टोरी बना सकते हैं आप, किसी इंसान से किसी जानवर से डर के ऊपर चला गया या हो सकता है वहां पे कोई उनके घर में एक डॉगी भी हो वो उसको खाने की कोशिश कर रहा हो या उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो या कोई बच्चा हो आपके जैसा शरारती और वो उस बिल्ली के बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो और उसके डर से वो दरख्त पे चढ़ गया हो। अब मैंने काफी सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं, आपने इसको लिखना है, अच्छी सी कहानी बनानी है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखें, आसान बहुत काम है। सवाल नंबर 3 है, दिए गए पास जो है मम्मी में तलाश कीजिए। ठीक है, ये जो पजल आपको वर्ड पजल दिया हुआ है इसमें सिंगल पास को आपने तलाश करना है, ये पहले भी हमने किए हैं, जैसे ये एक लफ्ज उन्होंने खबरदार उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से और भी लफ्ज जो है वो आपने सारे यहाँ पे ढूंढ के, जैसे ये देखें खतरा, ठीक है, ये सामने ऐसे ही लफ्ज मेरे आ गया खतरा। ठीक है, उसके बाद आपने इसी तरह से इन सारे अल्फाज को इस पजल में ढूंढना है और बुक के ऊपर ही सॉल्व करना। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है। इसके अलावा 2 मिनट्स लगे हैं होमवर्क आपका, मैं बता दूं, एक तो हमने जो पेज नंबर किया था 40, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, अल्फबाई जो अल्फाज है उनको तरतीब से लिखना है, वो आपका एक होमवर्क है। उसके बाद आपने एक कहानी लिखनी है, इसके बाद आपने सवाल नंबर जो 3 है पेज 42 पे इसको बुक पे ही हल करना है। और इसके अलावा जो ये देखिए सरगर्मी दी हुई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने घर के मुलाजमीन और आसपास के बच्चों को भी ये बातें बतानी है और अगर आपने घर इर्द गिर्द मोहल्ले में स्कूल में आप कुछ खतरनाक होता देख रहे हैं तो आपने जल्द से जल्द जो है जिससे लोगों को नुकसान होने का खतरा हो तो बड़ों की मदद करनी है। और इसके अलावा सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ उन्होंने घर में इमरजेंसी फोन नंबर की दस्तावेज करें। ठीक है, इसमें जो है वो फायर ब्रिगेड का नंबर भी हो सकता है, इसके अलावा आप जो है इमरजेंसी कॉल में पुलिस को भी कॉल कर सकते हो। मेरे पास तो कुछ नंबर लिखे हैं लेकिन मैं चाहूंगी कि जब नेक्स्ट टाइम हमारा पीरियड हो तो आप लोग मुझे बताएं कि ये जो है इमरजेंसी नंबर है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो है यकीनन काम समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने डायरी लिख लेनी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, वी विल मीट यू ऑन next Thursday. ठीक है, now our period is on next Thursday, so stay home, stay blessed, God bless you all. और अगर आप चाह रहे हैं तो मैं डायरी जो है वो आप लोगों को लिख देती हूँ चैट बॉक्स में, just 1 minute is left और मैं कोशिश करती हूँ मैं चैट बॉक्स में आप लोगों को डायरी लिख दूँ और आप सब जो है वो डायरी जो है वो अपनी
डायरीज को लिख लें, ठीक है? जो डायरी है आज मैं आपको लिख के दूंगी। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूँ और मैं आपको डायरी लिख के दे रही हूँ। आप सबने वेट करना है, 1 मिनट इज लेफ्ट। मैं इसको क्लोज खुद ही कर दूंगी, आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है? सफा 40 सवाल 6 और सफा 42 सवाल 3 और खबर की कहानी लिखें, ठीक है? ये मैंने आप सबको बता दिया है, आप सबने इसको अच्छे से करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।